आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं करिश्मा। बिहार में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। सीएम नीतीश भी लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर जायजा ले रहे हैं, लोगों का हालचाल पूछ रहे हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आरा जिले पहुंचे, जहां बाढ़ से प्रभावित लोगों का हाल चाल लिए। आपको बता दें कि गंगा के उफान पर आने से 2000 से अधिक घरों के लोग बेघर हो गए हैं। उन्हें 2 जून की रोटी, साथ ही साथ सिर छुपाने की जगह भी नहीं है। इसके साथ ही पटना के कई घाटों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कंगन घाट, भद्र घाट की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि शहर को बाढ़ से बचाने को लेकर भी प्रशासन की हर स्तर पर तैयारी चल रही है। बाढ़ प्रभावित लोगों के राहत एवं बचाव के लिए अफसरों को लगाया गया है। पटना में बाढ़ प्रभावित इलाकों में 216 नाव लगाया गया है। वहीं मनेर की बात करें तो मनेर में 50, दानापुर में 61, पटना सदर में 32, बख्तियारपुर में 43, बाढ़ में 2, मोकामा में 19, अथमगोला में 9 नाव लगाई गई है। नाव से लोगों की मदद की जा रही है। पटना में 2000 से अधिक परिवार ऐसे हैं जो बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित है और प्रशासन के सहारे हैं। आपको बता दें कि पटना में बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों के लिए सरकारी रसोई का ही सहारा बस बच गया है। यहाँ लोग घर के साथ सिर छुपाने की जगह भी खो दिए हैं। प्रशासन की व्यवस्था पर वर रह रहे हैं। प्रशासन द्वारा संचालित से ऐसे परिवार का पेट पल रहा है। पटना में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए कुल 18 सामुदायिक रसोई घर और राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं। इसमें अथमगोला में 4, मोकामा में 4, बाढ़ में 1, बख्तियारपुर में 1, पटना सदर में 4, दानापुर में 4 केंद्र संचालित है। प्रशासन इसे और बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद के लिए खाने के पैकेट भी पटना में तैयार किया जा रहा है। बाढ़ के कारण इंसानों के साथ पशुओं की भी सेहत पर संकट मंडरा गया है। इसके लिए पशु चिकित्सकों की टीम भी लगाया गया है। अब तक 122 पशुओं को बाढ़ से बचा लिया गया है। उनकी हालत बाढ़ के कारण काफी खराब हो गई है। पटना में बाढ़ आ जाने से हजारों लोग बेघर हो गए हैं। वो सरकारी सामुदायिक किचन के सहारे जी रहे हैं। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं बाढ़ प्रभावित इलाके का। अब देखने वाली बात होगी कि बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकार किस तरह से मदद कर पाती है। बिहार से जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहे लाइव बिहार। धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्द ही सब्सक्राइब कर ले। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।